करेंगे कल के क्रूड ऑयल के बारे में और आज के क्रूड ऑयल की आखिर क्रूड ऑयल में इतनी गिरावट क्यों हो रही है जब सब $240 तक के रिकमेंडेशन दी गई थी डिफरेंट डिफरेंट ये YouTube सोशल मीडिया वगैरह और स्पेस जो ट्विटर स्पेस हैंडल हैं उस पर बोला जा रहा था कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा लेकिन मार्केट गिरा क्रूड ऑयल का मार्केट गिरा और बहुत ज़्यादा गिरा लगभग 2-2.5% आप देखें तो 12% की गिरावट आ चुकी है। इसका क्या रीज़न है इसके बेसिकली मैं जो समझता हूँ 5 मेन रीज़न है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है कि ये क्रूड ऑयल की जो प्राइस अचानक से इंक्रीज हुई थी उसका मेन कारण क्या था उसका मेन कारण था यूक्रेन रशिया वॉर के कारण जो अनसर्टेनिटी आई थी इंटरनेशनल मार्केट में उसमें हो क्या रहा था ये देखने में आया कि यूरोप वगैरह और जो दूसरे देश थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल मार्केट से खरीद रहे थे और लगभग इसको 3-4 महीने का टाइम हो ही चुका था। अब जो है उनके जो रिजर्व्स हैं वो लगभग फुल हो चुके हैं। अब और बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल खरीदने की क्षमता नहीं है इस वक्त भले ही कुछ भी बताया जा रहा हो कि रिसेशन आ रहा है ये आ रहा है बट अगर आप देखेंगे तो रिसेशन में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्या कोई कंपनी बंद हुई क्या इंडिया में कोई कंपनी बंद हुई इंटरनेशनली कोई कंपनी बंद हो रही है कुछ भी नहीं हो रहा। वो सिर्फ ये रहा है कि जो कैपेसिटी थी बाइंग जो पहले एक्सेसिव करी गई कि किसी तरीके से मान लीजिए अगर वॉर बहुत ज़्यादा बढ़ता है कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कैपेसिटी लगभग फुल हो चुकी है तो अब इतनी डिमांड नहीं है इंटरनेशनली डिमांड नहीं है और एशिया वगैरह में इंडिया वगैरह में भी इतनी डिमांड नहीं है। जो डिमांड उस वक्त थी उतनी लगभग चली आ रही है। दूसरा हाई इन्फ्लेशन का कारण तो है ही और हाई इन्फ्लेशन के कारण भी डिमांड कम हुई है लेकिन इतनी नहीं हुई कि क्रूड ऑयल अचानक से 15-20% गिर जाए। जो और सेकंड जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है अमेरिका का। क्या हुआ कि अमेरिका में इन्फ्लेशन बहुत हाई है। दूसरा इससे जो अमेरिकन गवर्नमेंट काफ़ी परेशान है देखिए कुछ गवर्नमेंट्स या आप ये कह लें यूरोप और USA के अंदर जो पर्सन जो लोग रहते हैं वहाँ की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा सुनी जाती है और जो लोग वहाँ वो डिमांड करते हैं गवर्नमेंट से कि उनकी लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आना चाहिए और जो हाई क्रूड ऑयल प्राइसेस थी इससे क्या हो रहा था कि वहाँ की जो डिमांड थी उस पर बहुत ज़्यादा असर आ रहा था यानी उनकी लाइफस्टाइल पर बहुत ज़्यादा असर आ रहा था लोगों पर। तो अमेरिका काफ़ी वक्त से इंटरनेशनल चाह रहा था क्रूड ऑयल प्रोडक्शन जो है वो थोड़ा बढ़े और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो क्या रहा है कि जो USA के प्रेसिडेंट है वो सऊदी अरेबिया से मिलने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो 4-5 दिन लगभग 7-8 दिन पहले भी मार्केट में काफ़ी गिरावट आई थी $105 के आसपास क्रूड ऑयल आ गया था फिर उसके बाद वापस $110 के ऊपर गया। उसका कारण ये था कि उस वक्त USA और ईरान की टॉक्स हो रही थी कि अगर ईरान इंटरनेशनल मार्केट में आ जाता तो उससे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरती। अब हुआ ये हो रही है रहा है कि 18 जुलाई को जो USA और सऊदी अरेबिया के सऊदी अरेबिया के प्रिंस और USA के प्रेसिडेंट के बीच में मुलाकात है जिस जहाँ पर अमेरिका खास तौर से इस बात का ध्यान रखेगा कि जो ऑयल प्रोडक्शन है क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है उससे उसमें ज़्यादा इजाफा ना हो। तीसरा जब सबसे बड़ा कारण है जो मैं समझ रहा हूँ वो है रशिया। अगर आपने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो हुआ क्या है कि वॉर के बाद जो रूबल था वो बहुत बुरी तरह गिरा था जो हमें ऐसा माना जाता है कि रशियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगी बहुत हैवीली इम्पैक्ट होगी बट हुआ जस्ट उसका उल्टा। अब हो ये रहा है कि रूबल जो है अपने शायद 10-15 साल के सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ पे आ गया ऐसे बता रहे 50-60% स्ट्रेंथ हो गई यानी जो शायद $100 का था वो घट के $50-60 पर आ गया। मैं एग्जैक्टली प्राइस नहीं बता रहा लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया मतलब रूबल कभी भी अपनी हिस्ट्री में इतना स्ट्रांग नहीं था जितना इस वक्त हुआ है और उसका सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल प्राइसेस। क्रूड ऑयल प्राइसेस क्या है बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया $125 तक पहुँच गया। हुआ ये कि रशिया ने अपना क्रूड ऑयल बहुत सस्ते में बेचा उसके लिए शिपमेंट भी उसने खुद ही प्रोवाइड करा इंश्योरेंस भी खुद ही प्रोवाइड करा तो उसका जो डिपेंडेंस थी जो यूरोप और USA सोच रहे थे कि कोई उससे क्रूड ऑयल नहीं खरीदेगा ऐसा उसका जस्ट उल्टा हो गया क्योंकि उसने सस्ता कर दिया तो क्रूड ऑयल से ज़्यादा खरीदने जाने लगा और रशिया के पास इतना शिपमेंट और इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन कैपेबिलिटी तो है कि जो आराम से यूरोप और USA को टक्कर दे सकती है और उसका ठीक इम्पैक्ट हमने यहाँ देखा जिससे रशियन इकोनॉमी काफ़ी इम्प्रूव कर गई। इसमें काफ़ी इंटरनेशनल जो थे न्यूज़ आर्टिकल्स आए थे हालांकि 2-4 दिन आके वो बंद हो गए। अब वो क्या रहा है कि जो USA सोच रहा था उसका जस्ट उलट हो गया इसलिए क्रूड ऑयल की प्राइसेस को घटाना जरूरी था। इसमें जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगला फैक्टर जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर जो इस पर काम कर रहा है वो EV। अगर आप देखेंगे तो अभी हाल फिलहाल पिछले 3-4 महीनों में EV की गाड़ियाँ बहुत लॉन्च हुई हैं
मतलब पहले से भी ज़्यादा रफ्तार आई है। इंडिया में ज़रूर कमी है लेकिन इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा रफ्तार आई है। इस चीज़ को जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं मानते, उनको पता है कि अगर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त तक ऑयल की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रही तो लोग क्या होंगे ईवी की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे, जो कि हम देख भी रहे हैं। और कभी भी सऊदी अरेबिया ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जिसमें ओपेक जो नेशंस हैं अगर हम उनकी बात करें तो उनको उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसको आप समझने के लिए देख सकते हैं आज से 8-9 साल पहले 2012 तक के आसपास 10 साल ही मान लीजिए, हाँ 2012 तक उस शेल प्रोडक्शन बहुत हुआ था, शेल गैस का एक प्रोडक्शन शुरुआत हुआ था और उसको बीट करने के लिए सऊदी अरेबिया ने अपने क्रूड ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा घटा दी थी इंटरनेशनली। जो $30-35 आया था उससे पहले $140 हुआ करती थी, लेकिन 2008-09 के बाद उसको घटाना शुरू किया गया। उसका कारण था शेल जो गैस प्रोडक्शन था वो USA के अंदर शुरू हो गया था और उस पर इक्विपमेंट पर खर्चा बढ़ने लगा था क्योंकि इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी। तो शेल गैस अगर गैस और ऑयल उस जो भी था उसको निकालने में या उसके जो एक्सपेरिमेंट या आप कहें कि उसको डेवलप करने में जो खर्चा आ रहा था वो कम था, तो लोग बहुत ज़्यादा कंपनीज की तरफ चली गई थी। तो उन कंपनीज को रोकने के लिए क्या किया था सऊदी अरेबिया ने, एक टैक्टिक्स अपनाई, उसने क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की प्राइसेस क्रूड ऑयल प्रोडक्शन इतना बढ़ा दिया था कि प्राइसेस इतनी घट गई थी कि शेल गैस एंड ऑयल में इन्वेस्टमेंट करना एक मुनाफे का नहीं बल्कि घाटे का सौदा लगने लगा था। और हम देख सकते हैं 2017-18 तक शेल ऑयल एंड गैस पे काफ़ी जोर था जो कि अब लगभग गायब सा हो गया, अब ईवी पे जोर आ गया। ठीक इसी सिचुएशन को जो ओपेक नेशंस है उन्होंने पहचाना है कि अगर उन्होंने कंटिन्यू रखी हाई प्राइसेस तो लोग बहुत तेज़ी से ईवी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे और इससे सऊदी अरेबिया को फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान ही हुआ। और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि ये जो ऑयल प्राइसेस हैं वो काफ़ी हद तक गिर गई हैं। एंड थैंक यू, आज का एनालिसिस खत्म होता है, अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है।